पांच के पंचायती में आपके स्वागत है। और पांच के पंचायती आज वो बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के जेकर चर्चा चारों तरफ है और भाजपा हा बाजी मारत हुए पहले घोषित कर दे है अपन उम्मीदवार। और हमन उम्मीद करत रहे कि अभी समय है, करीब 15-20 दिन बाद ही उम्मीदवार के नाम घोषित हुई, लेकिन भाजपा हा चौंकाने वाला फैसला पहले भी करत रही से और आज भी करे है। केंद्रीय चुनाव समिति हाल लगा दे है मोहर, 21 नाम के घोषणा हो गए है और छत्तीसगढ़ के जे चुनाव के आगाज के इंतजार हमन करत रहे वो हा हो गए आज, काबर की भाजपा कर दी 21 नाम के घोषणा। तो घोषित हो गए है 21 नाम और एकर से शुरू हो गए है चुनावी अभियान के शुरुआत। तो भाजपा के इस एक कदम के ऊपर आज हमन चर्चा करबो और जानबो कि भाई ये 21 नाम है जो 21 योद्धा भाजपा घोषित करे है उमा का कहना है, किस तरीके के रणनीति है, कांग्रेस के का कहना है, भाजपा के का कहना है और विश्लेषक जो हमारे साथ मौजूद है वो का कही। तो पहले बता दो 21 नाम के घोषणा हो गए है, जातिगत समीकरण के भी ध्यान रखे गए है और जैसे कि पहले हम चर्चा करें कि ये 21 सीट वो सीट है जहां पे कांग्रेस ज्यादा मजबूत है, तो भाजपा पहले वहां पे उम्मीदवार घोषित करे है जहां पर कांग्रेस मजबूत है भाजपा थोड़ा कमजोर है। तो उम्मीदवार मनला टाइम देवर पर्याप्त समय मिले एकर लिए पहले घोषित करे गए है उम्मीदवार। नाम भी जान लो कौन कौन है, मैं सबसे बड़का नाम है पाटन से नाम आए है विजय बघेल के, सांसद है दुर्ग से लेकिन टिकट मिल गए ओला पाटन से। पाटन से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं विजय बघेल, तो उनका नाम आगे है विजय बघेल, एक बड़ा नाम मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव में पहले घोषित कर दे है भाजपा हा अपन उम्मीदवार। तो पाटन से विजय बघेल के नाम चौंकाने वाला रूप में सामने आ गए है, मुख्यमंत्री ला टक्कर देवर विजय बघेल मैदान में है। ऐसे दूसरा नाम है रामानुजगंज से राम विचार नेताम के नाम है। खैरागढ़ से विक्रांत सिंह है, रमन सिंह के रिश्तेदार है उकर नाम है। खल्लारी से महेश साहू के नाम है, ये सब नाम बड़का नाम है जिला हमन सुना था। राजिम से रोहित साहू के नाम है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ चुके है। भटगांव से लक्ष्मी राजवाड़े के नाम है, राजवाड़े जी के रिश्तेदार है यह, पहले पूर्व मंत्री रही से। शकुंतला सिंह पोर्ते के नाम है प्रतापपुर से, खल्लारी से अलका चंद्राकर के नाम है। तो ये सब नाम के जरिए भाजपा हाथ ठोक दे है ताल और उम्मीदवार के पहले सूची हो गए है जारी। यही में आज हमन पांच के पंचायती करबो चर्चा करबो और जानबो कि का कहना है कांग्रेस और भाजपा के। तो पहले मिल लो पहुना मन से, कौन कौन पहुना हमारे साथ है आवा अपना बता देता परिचय करा देता। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में व्यास पाठक जी, बहुत बहुत आपके स्वागत है। कांग्रेस के पक्ष रखे पर हमारे साथ जुड़े थे रूपेश दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। और भाजपा के पक्ष रखे पर हमारे साथ जुड़े थे किरण बघेल जी। तो तीनों पहुना मन के स्वागत कर ये चर्चा शुरू करता हूँ। जैसे कि मैं बताऊं कि भाजपा टिकट घोषणा में आगे निकल गए है, कांग्रेस के तो अभी पहली बैठक हुई है, भाजपा के बैठक हो गए, नाम चलेगी, इस नाम में मोहर लग गई। सबसे पहले प्रतिक्रिया है वो किरण बघेल जी के। किरण जी 21 उम्मीदवार घोषित हो गए, जल्दबाजी नहीं कर दे आप मन, नाम घोषित तो हो जाते कई बार तो विरोध हो जाते आदमी वो मैनेज करे में फंस जाते। 21 उम्मीदवार के नाम पहले घोषित करे के पीछे का पार्टी मंशा, का सोच के घोषित करे है पार्टी उम्मीदवार? मोहन जी सभी चुनाव के करे रहे हैं, बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँ। रही बात जल्दीबाजी की आप बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है भाजपा ऐसी पार्टी जो सदा से चुनावी मोड में रही थे, सदा से ऊपर मन की तैयारी रहे थे और एक चुनाव जीते के बाद हम हाथ में हाथ धर के नहीं बैठे बल्कि अगला चुनाव अमल लग जाते। यही हाल हमारे छत्तीसगढ़ के में भाजपा में भी नहीं से कि एक बार हार का सामना करने के बाद पार्टी कहीं ना कहीं चुनावी मोड में शुरू से नहीं से लगातार सर्वे के माध्यम से हो या जो भी माध्यम से हो प्रत्याशी के चयन करके प्रक्रिया भी चलत रही से और हालात सामाजिक समीकरण और सब चीज ला ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी एक अपन तरफ से तैयारी शुरू से रखे रही से। और काबर की समय ज्यादा देना काफी उचित है कि ये जो सीट नहीं थे वो काफी समय से कांग्रेसिया मन के हाथ में रही थे या कांग्रेस सीट कहा जा सके, तो मुला लगते है बहुत अच्छा निर्णय लिए गए है जहाँ प्रत्याशी ला बहुत समय मिली अंदर कला वही थोड़ा दूर करे के अपन जब का भी जहाँ के समीकरण जो भी हालात रहे वो जो भी निर्धारित क्षेत्र रहे, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा निर्णय है कि समय बहुत पहले मिल गए है और प्रत्याशी मनला भी अपन काम करे कि अपन प्रचार पर
निश्चित ही समय मिली और जो भी समीकरण रही मुझे लगता है कि काफी हद तक सॉल्व करके अच्छा प्रयास रही है। ठीक है, भाजपा तो कहा थे भाई कि पहले मौका मिलना चाहिए और समय मिलना चाहिए, ये बात ला ध्यान में रख के ऐसे सीट जहां पे थोड़ा भाजपा कमजोर ज्यादा है, जहां पे मेहनत करे ज्यादा जरूरत है, जहां बड़का बड़का भाजपा कांग्रेस के नेता मन है ओला हराना है, एकर कारण से समय देवर ये सीट मन ला जल्दी घोषित करे है। कांग्रेस के का प्रतिक्रिया है जान लेथन। दुबे जी आप मन तो सोचे नहीं रहे हो भैया, ये तो घोषणा कर डालिस, अब ऐसे में आप मन के सामने बड़ा चुनौती हो गए है, ये नया नया नाम है, नवा नवा मनला टिकट दे है, पुराना मनला बदल दे है, 21 नवा दावेदार सामने आ गए, दू ठन नाम बस पुराना दिखा थे, उमा भी राम विचार नेता बस हारे है चुनाव, बाकी सब नया है, कैसे चुनौती के रूप में देखते हो इला तिवारी जी नमस्कार। जी? देखो छत्तीसगढ़ में भाजपा हड़बड़ी गलत है, ये मैंने घोषणा पत्र बनाया पर अभी तक तैयारी कर नहीं पाए। जिला 33 जन है, 32 जन पेटी लगा है, वो इसने एमएलए अपना अपने प्रत्याशी के नाम के भी ठिकाना से पता नहीं है। यहां तक विधानसभा के भी का नाम है वो भी ये सूची देखे थे, पता चलत है कि भाजपा और कितना अज्ञानता में सूची जारी करते हैं। मोहला मानपुर चौकी जैसे विधानसभा है वो मैं खाली मैंने मोहला मानपुर लिखे संजीव शाह, उसका नाम ना संजीव शाह लिखे, तो निश्चित रूप से भाजपा छत्तीसगढ़ में चुनाव करने की स्थिति में तो नहीं है। और जब से कांग्रेस के सरकार है जनहितैषी कार्य योजना बनाते हैं ओखर से हमन हड़बड़ाए हुए हैं। अब कमन गड़बड़ी से गड़बड़ी के सूची हरे कमन सोची से कहीं भी प्रदर्शित नहीं होते कि भाजपा छत्तीसगढ़ के विकास के लिए संकल्पित मन से काम करते हैं। न इधर घोषणा पत्र के ठिकाना है, न इधर मन का चुनाव का कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रत्याशी घोषित करके मन अपन हड़बड़ी बताए करके और जो में हमारा चुनाव जीते सके वहां ये प्रत्याशी मतलब बलि के बकरे बना के काम भाजपा करे है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लग कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा जनता से काम करा था, जनता के लिए काम करा था और हमारा बड़े काम नहीं करन, हम पूरी तरह से संजीदगी से हमारा जनता के लिए काम करता। ठीक है चलो हड़बड़ी में कर दे है भाजपा, लेकिन आप मन के सामने चुनौती तो है ना, ये मन के जानकारी ले लो, बताओ भाई कितना दमदार उम्मीदवार दे है भाजपा, का लगते भाजपा के टिकट घोषणा ला कैसे देखते कांग्रेस? देखो भाजपा टेबल टिकट घोषणा करे जैसे कि किरण दुग्गल जी बोले कि जो वहां गुटबाजी है डाला बढ़ावा अपन मैनेज कर ली है ना, इसलिए तय हो गए कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है और वो चरम पर गुटबाजी ला भाजपा के प्रत्याशी है अकेला जा करके चले और जनता के बीच में अपन परेशानी भाजपा पार्टी ना मत करना पड़े और प्रत्याशी बलि के बकरा बने, ये निर्णय भाजपा का 21 जन बना करके भेजे। ठीक है चलो, ये भाजपा वाला तो चुनौती माने के लिए तैयार नहीं है, कांग्रेस आ भाजपा की प्रतिक्रिया तो सुन ले हन, लेकिन एक विश्लेषण पहले सुन ले थन, फिर आऊं मैं हाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों जन के पास। व्यास जी ये सूचीला देख के का मन में चला थे, भाजपा ए बखत एडवांटेज ले कोशिश में है का कि भाई सरकार में कांग्रेस है मजबूत है तो पहले से तैयारी करो, पहले से उम्मीदवार घोषित करो, कई बार ये पहले उम्मीदवार घोषित करना नुकसान भी होते, तो नुकसान तो नहीं हुई ना ये घोषणा से, कितना फायदा हुई भाजपा का आपके आकलन है? हो सकत है माँ मोहन जी के पहली तो सूची जारी करे माँ भाजपा जे नहीं कांग्रेस से आगे हो गए, और ये सूची आज जारी हो जाए ये भाजपा के बड़े नेता मतलब भी अंदेशा नहीं रही से, और अचानक जे नहीं शीर्ष नेतृत्व सूची ला जारी कर दी, और ये सूची ऐसे है जिन माँ हाई प्रोफाइल जिन सीट है जिन माँ विवाद हो सकत रही से सूची ला देख के वो सीट ला दूर रखे गए है, और यही सीट मतलब फाइनल किए गए है जिनमें विवाद नहीं के बराबर है, तो इमा भाजपा है अपन प्रत्याशी ला ज्यादा टाइम दे
ताकि वो मन क्षेत्र में जाके अपन अच्छे से कार्य कर सके, एकर मनसा से मोर ख्याल से जारी करे है। अब देखो कांग्रेस की सूची कब जारी होते और कांग्रेस ला भी एक ये भी मिल गए कि कौन प्रत्याशी के खिलाफ कैसे प्रत्याशी उतारे जाए, ये 21 प्रत्याशी से बोला एक अवसर आइडिया मिल जाए, आइडिया मिल जाए। ये फार्मूला जो भाजपा तैयार करे है कि भाई बड़का नेता के भी नाम है, नवा लेकर नवा जो नेता मन है ओकर भी नाम है, ऐसे में कॉम्बिनेशन जो बना है कांग्रेस एक जवाब खोज पाही का, कांग्रेस के पास वही पुराना नाम आई है, ये जो सीट है वहां कांग्रेस ज्यादातर रिपीट कर सकते उम्मीदवार, ऐसे ऐसे मैसेज है। एकर कारण से ये कोशिश के भाजपा के है कि भाई नवा पुराना के कॉम्बिनेशन में टिकट दे है। जी बिल्कुल हो सके थे ये चीज जेन है इला भाजपा की टिकट देखते हुए जिन है प्रत्याशी अपन कांग्रेस जिन है जारी कर सकते थे, हो सकते थे और कोई प्रत्याशी की मन बनाए हुए वाला चेंज कर सकते थे। अभी हाई प्रोफाइल सीट में जिसे रामानुज जी के पूर्व मंत्री रामविचार नेताम वो वाला टिकट दिए गए है और बड़ा रोमांचक जिन मैच हुई वो पाटन में हुई, काबर के मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र है और दूसरा ये कि उनका भतीजा है एक ही रिश्ते परिवार से जिन है दोनों प्रत्याशी है और पूर्व में भी जिन है विजय बघेल जी जिन है यहाँ प्रत्याशी रहे और हमारे मुख्यमंत्री ला एक बार हरा भी चुके हैं और वर्तमान में सांसद भी है तो ओखरो वाला लाभ मिली और बड़ा रोमांचक मैच रही है, जैसे इंडिया पाकिस्तान की जिससे मैच होते ना वैसे टाइप के मैच यहाँ भी विधानसभा में पाटन विधानसभा से चली। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ला फसाए कोशिश में विजय बघेल ला उतार दे है भाजपा है और ऐसे में का हो ही समीकरण, एक एक बार प्रतिक्रिया लू मैं कांग्रेस भाजपा के। पहले दुबे जी के पास चल, दुबे जी तीन चार प्रमुख नाम है एमा रामानुजगंज से रामविचार नेताम और पाटन से विजय बघेल और देवलाल जो ठाकुर है वो है नवा नेता है लेकिन वो है मंत्री के खिलाफ लड़ी डोंडी लोहारा से, ये तीन चार प्रमुख नाम के साथ आप मन के बड़े विकेट गिराए की तैयारी है, कैसे देखते हो ये बड़े नाम लाभ? तिवारी जी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है आम जनता के लिए काम करे है पर नेता मन है अपन अपना राजनेता नहीं जनता के सेवक समझ के काम करे है और जैसे भाजपा वाले मन पहले से प्रत्याशी घोषित करके यद्यपि मन अपन पार्टी में तय कर सकते हैं लेकिन बताओ 16 तारीख की यदि मीटिंग हो है तो मैं 90 विधानसभा के प्रत्याशी यदि भाजपा में दम कम और पार्टी के निर्णय के प्रति संजीदगी रहती तो मैंने पूरा 90 विधानसभा में चर्चा हुई, ये थोड़ी ना 15 विधानसभा 20 विधानसभा में हुई लेकिन ये मैंने प्रत्याशी घोषित करे है ठीक है अपन पार्टी का मामला करे है लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन्हें तीसरी सरकार भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में काम कर रहे थे कांग्रेस सरकार बना ही जनता के सेवा करी और भाजपा की जो पहला सूची हरे देखा प्रत्याशी सिर्फ और सिर्फ बलि के बकरा बने की ये प्रमाण आने वाले चुनाव के परिणाम में आम जनता के बीच में दिख जाएगी। ठीक है, दिख जाए जो उम्मीदवार सामने है ओला कैसे आख्त हो, ज्यादातर नवा मन है पुराना मन भी है लेकिन ज्यादातर नवा उम्मीदवार है? देखो चुनाव के समय में जो निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ होती है उसके बाद परिस्थिति बदलते लेकिन आम जनता के लिए जो सरकार काम कर रही है छत्तीसगढ़ में किसान के लिए हम काम कर रहे हैं, युवा के लिए काम कर रहे हैं, महिला के लिए काम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में भरोसे के सरकार के रूप में एक प्रमाणिकता साबित है, एक कारण हम कह सकते हैं कि हम आत्मविश्वास से नहीं हम जनता में भरोसा जो भरोसे की सरकार है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से एक बार सेवा करने के मौका आम जनता दी ही प्रत्याशी हो सकते हैं प्रत्याशी मजबूत नगर से चुनाव में मजबूती से प्रचार प्रसार कर ही लेकिन जिस मतदान होगी वो दिन आम छत्तीसगढ़ की जनता हार तो कांग्रेस सरकार ओकर मन के जो काम करे ओला ध्यान में रख करके बटन दबाई और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करके कांग्रेस सरकार बनाई। ठीक है, सरकार बना ही कांग्रेस का दावा है हमारे प्रवक्ता रूपेश दुबे जी के और कांग्रेस के सब वो नेता मन ये दावा करा थे कि 75 पार हो ही लेकिन ये 75 पार के सपना ला तोड़े बार भाजपा हा घोषित कर दे उम्मीदवार पहले और पहले उम्मीदवार घोषित करे के का रणनीति है बता दी बताई रही से थोड़ी देर पहले किरण बघेल जी आप जान लेथन। किरण जी ये सूची मन आय के सिलसिला शुरू हो गए, आप दूसर सूची भी जल्दी आ जाए ही का कि थोड़ा इंतजार करना पड़ी?
आप मन का सोच के पहले घोषित करे हो कि ये सीट में कमजोर है एकर कारण घोषित करे हो, या भाई हमारे प्रक्रिया है पहले घोषित करना ओकर कारण घोषित हो? देखिए मोहन भाई, वो भी विपक्ष में नहीं थे हमेशा से, ओकर लिस्ट पहले जारी होती। आप पिछला चुनाव जब तक पिछली बार 15 साल के आप देख लो, तो हमेशा कांग्रेस विपक्ष में रही, ओकर मन की लिस्ट पहली जारी हुई। मैं कोई नया बात नहीं कि भाजपा ये बार पहली जारी करे है लिस्ट ला। और लिस्ट के आप बात करो था अगले लिस्ट के, तो मुझे लगता है हमारे शेष नेतृत्व एक निर्णय ली कि इस लिस्ट जारी करना है और कैसे जारी करना है। मुझे लगता है बहुत ही अच्छा निर्णय लिए गए हैं। प्रत्याशी मंडला सभी प्रत्याशी बहुत ही प्रतिभावान है। जाति समीकरण ला भी बहुत ध्यान रखे गए है। महिला उम्मीदवार मंडला भी उतारे गए इस बार मैदान में। और आप मन जो नया चेहरा बोलो, तो बहुत नया चेहरा नहीं है मोहन भाई, एवं जितका भी प्रत्याशी घोषित करे वो कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष या सदस्य रहे हैं, उमरला चुनाव के भी अनुभव रहे। और मैं तो एक बात जो रुपेश भैया ला बताना चाहूँ कि विजय बघेल के बारे में कहा राय नहीं, खबर की विजय बघेल जी एक बार भूपेश बघेल जी ला हरा चुके हैं, तो उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया हो तो बताए। और मुझे लगता है कि हमारे लिस्ट जारी करने से कांग्रेस कहीं ना कहीं घबरा गए हैं, हमारे तैयारी ला देख के, हमारे लिस्ट ला देख के कहीं ना कहीं घबराते कांग्रेस खबर की छत्तीसगढ़ में एवं विकास के काम तो कोई करे नहीं है, करे है तो सिर्फ घोटाला। 25 घोटाला मैं गिनवा सकता हूँ, रुपेश भाई ला तो पहले पता हुई, सारा घोटाला में छत्तीसगढ़ के जनता ला डुबो दे है, कर्ज ले लेके घी पिलावत है। तो मुझे लगता है सही निर्णय ले गए और जितका भी आगे निर्णय ले जाए हमारे शेष नेतृत्व की जगह के द्वारा मुझे लगता है बहुत सोच समझ के लिए जाए और जनता के हित में और पार्टी के हित में रहे। ठीक है, जनता के हित में निर्णय हो ही और जल्द से जल्द और घोषणा हो सकत है, लेकिन कांग्रेस के इंतजार कितना करना पड़ी, कांग्रेस के सूची कब आई? काम आनंद दुबे जी, आप मन भी अब जल्दी उम्मीदवार घोषित करू, भाजपा तो एक लिस्ट निकाल दी, 10 दिन बाद फिर दूसर लिस्ट आ जाए, 27 सीट बोला थे पहले से तैयारी, इसे 21 होकर घोषणा हो गए और आज ही कुछ दिन में, कांग्रेस काबर धीरे चला थे, कांग्रेस के का इंतजार है, काबर वो घोषित नहीं कर रहे थे टिकट? मोहन भाई, कांग्रेस कहीं धीरे नहीं चला थे, कांग्रेस से ऐसे पार्टी है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। अभी जो विधानसभा वार के दावेदार है ऊपर मन से आवेदन ले जाते, ऊपर मन के राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में पूरा डाटा है हमें अब आवेदन पत्र में, वो आवेदन पत्र भरे के बाद हमार नेता मन ना ओकर बारे में चुनाव समिति जो बने हैं प्रदेश स्तरीय चुनाव समिति ओमे राय हमारे करी ओकर बाद शीर्ष नेतृत्व में भेजी और हमार निर्णय है शीर्ष नेतृत्व से होते। समय समय सभी हमार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है, हमार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महत्वपूर्ण अंग है हमार, तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सामने प्रत्याशी मन आवेदन दी, पर बाद आवेदन जिला कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी जाए के बाद केंद्रीय चुनाव समिति में जाए, प्रक्रिया के अंतर्गत काम करते हैं, हमने हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। कितना समय लग गई ब्लॉक से जिला, जिला से प्रदेश, प्रदेश से दिल्ली, बहुत समय लग गई ऐसे में, तो कितना समय लगी, एक आध महीना लग गई? मोहन भाई देखो, पहले 22 तारीख 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक ब्लॉक मीटिंग जमा ले जाए, ओकर बाद चुनाव में समय है, हमन चुनाव तो होना ही है, चुनाव में कई देर नहीं है, लेकिन हमने अभी भी जनता के प्रति जवाबदेही से अपन पीछे नहीं हटन और हमारे सब नेता मन जनता के लिए काम करा थे और उसके बाद अपन आवेदन प्रस्तुत करी, वो आवेदन ले जा करके प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी चाय के बाद राय सुनवाई होगी और निश्चित रूप से एक ऐसे प्रत्याशी के रूप में चयन करे जाए जो जन सेवा प्राथमिकता से अपन महत्व माने और महत्व के साथ काम करे। और तो और जो कांग्रेस है तभी तक छत्तीसगढ़ में 5 साल में काम करे है, वो काम कार्य योजना का हम जनता ला कतका लाभ दे पान, कतका लाभ पहुंचाहन, वो प्रत्याशी हमारे महत्वपूर्ण व्यक्ति रही, ओला प्रत्याशी बनाने के लिए कांग्रेस निश्चित रूप से काम करा थे, संकल्प शिविर होगी हमार, ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत हम काम करबो और आने वाले समय में जल्द से जल्द हमारे प्रत्याशी, लेकिन हमारे पार्टी की जो रीति और नीति है पर अनुसार क्रियाकलाप के बाद पार्टी है प्रत्याशी घोषित करी। ठीक है, प्रत्याशी घोषित में थोड़ा टाइम लग सका थे, लेकिन कांग्रेस मजबूती से दावा करा थे कि भाई जब भी घोषित हुई उम्मीदवार जीतने वाला रही, प्रक्रिया काफी लंबा है कांग्रेस के, एक कारण समय लगी, लेकिन भाजपा
2020 फॉर्मेट में चला थे, फटाफट चौका छक्का मारे के तैयारी है। मोदी जी कल बैठक ली से आज सूची आगे है। एक गांव हमन व्यास जी के पास चलथन। व्यास जी, ये पीछे रणनीति का है, एकर पीछे का सोच हो सका थे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के? उम्मीदवार पहले घोषित करो, काम शुरू कर दो और कांग्रेस से आगे निकल जाओ, यही है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से भाजपा की ये रणनीति जिन है कि जल्दी टिकट दे हो तो आदमी लग प्रत्याशी मन लग समय मिलही काम करेला, और काम करेला उन समय मिलही तो निश्चित रूप से जिन है जनता के बीच में जाही हो अपन मुद्दा ल रखी और सपोर्ट मांगी तो एकर से फायदा मिली करके ये सोच में मोर ख्याल से भाजपा जल्दी सूची ल जारी करे है। और बाकी जिन हाई प्रोफाइल सीट वाले है ओकरो सूची हो सका थे बहुत जल्द जारी हो जाये। और इतनी कांग्रेस जिन है अभी सिर्फ आवेदन के काम चला थे तो लंबी प्रक्रिया है कांग्रेस में, तो हो सका थे कि उम्मीदवार यहाँ भाजपा के आगे बढ़ जाए प्रचार प्रसार में और कांग्रेस के प्रत्याशी हो सके थे पिछड़ जाए। विरोध की संभावना कितना है? कई बार क्या होते उम्मीदवार घोषित होते तो दूसर दावेदार मन विरोध करते, अब भाजपा के 21 जन के नाम आ गए तो विरोध तो हो ही भाई कहीं ना कहीं, विरोध के कितना संभावना देखते हो आप? विरोध के संभावना हम कम दिखाते काबर के जिन हाई प्रोफाइल सीट है जैसे रामविचार नेताम जी की सीट है, विजय बघेल की सीट है, तो एमा तो विरोध के स्तर नहीं दिखाते। और जिन प्रत्याशी घोषित किए गए है वो जैसे पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भी है वहाँ सरला कुसरिया है, लखनलाल देवांगन है कोरबा से पूर्व महापौर रहे, तो ऑलरेडी मन पहले के जनप्रतिनिधि है, जनता मन इधर से जुड़े हुए है, तो मोर ख्याल से विरोध तो नहीं होना चाहिए। और विरोध वाले जिन बात आई वो आगे जिन हाई प्रोफाइल सीट है पूर्व मंत्री मन के सीट है हो सका थे उमा विरोध होए के चांसेस है, एकरे से भाजपा होला अभी रोक दिए है। ठीक है, वो सीट ला जहाँ पे विरोध के संभावना है ओला रोक दे, जहाँ सिंगल नाम रही से ओला घोषित कर दे। एक टिप्पणी और ले लेता हूँ किरण बघेल जी, अब काम आना आप मन बांट दे का सीट ला, ए कैटेगरी बी कैटेगरी सी कैटेगरी वही हिसाब से टिकट जो है वो मिला थे, जहाँ ज्यादा कम विरोध नहीं है, जहाँ दावेदार भी कम है ओला पहले घोषित कर दो, फिर बाद में ऐसे करके एक कैटेगरी तक जाओ, ऐसे कोई फार्मूला बने का पार्टी के? किरण जी हम सवाल नहीं सुन पाए आपके, एक बार फिर से बताइए। आप अपन कैमरा लो घुमा लो कर बाद में यहाँ सवाल करत हो जब तक ये ठीक है। मोर सवाल ये है कि भाई ये जो आप मन के टिकट वितरण के कोशिश है, ये टिकट वितरण में का कोई ऐसे फार्मूला है कि पहले जहां दावेदार कम है सिंगल नाम है कोई विरोध नहीं है वहां घोषित करा दो, बाद में बाकी सीट ला देखो, तो आने वाला समय में वही सब फार्मूला ला देख के टिकट घोषित हो ही का? मोहन भाई, जो टिकट की घोषणा हुई है प्रत्याशी मन की घोषणा हुई है तो बहुत सोच विचार के, बहुत सारे सर्वे के बाद, बहुत मंथन चिंतन के बाद घोषणा हुए है, तो मुझे लगते है कहीं ना कहीं जो बोलते ना कि घी दूध ला बहुत मथ के बाद ओकर बाद घी निकलते, वैसे मुझे लगते है बहुत चिंतन मंथन सर्वे और तमाम प्रक्रिया के बाद ये जो छन के निकले है नाम, तो मुझे लगते है सबसे उपयुक्त प्रत्याशी मन के दावेदार मन के चयन किए गए हैं और एक लाभ पार्टी ला जरूर मिली। निश्चित रूप से एक ये जो नाम पहली घोषणा के करे गए है ओकर से का क्रिया प्रतिक्रिया रहे वो कहीं ना कहीं आने वाले सीट की घोषणा में जरूर प्रभावित करते, ये बात हम इनकार नहीं कर सकन, और हो सकते कोई पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रही। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रभाव पड़ सकते हैं, लेकिन दोनों ही पार्टी आशान्वित है, कोशिश यही है कि भाई उम्मीदवार मन के नाम घोषित हो गए हैं तो अब मैदान में उम्मीदवार मन प्रचार करत हुए हमनला दिखाई दी। भाजपा के एक सूची आऊ जल्दी आ जाए, लेकिन कांग्रेस के सूची पर थोड़ा इंतजार करना पड़ सकत है। वेणुगोपाल भी अवैया है, ऑब्जर्वर मन के बैठक हुआ थे, ब्लॉक में आवेदन निवेदन लेके प्रक्रिया शुरू हो गए है, तो थोड़ा प्रक्रिया में कांग्रेस पीछे है, लेकिन भाजपा बाजी मारत हुए उम्मीदवार घोषित कर दे, लेकिन उकर असर का हुई थोड़ी देर बाद पता चली। हमन आज प्रारंभिक विश्लेषण करे हन कि भाई काका हो सका थे, काका एमा जो है प्रभाव पड़ सका थे टिकट घोषणा के बाद। फिलहाल ये चर्चा आज यही खत्म करबो, काबर की समय कम है, ओकर बाद फिर चर्चा एक बार आऊ एमा विश्लेषण करबो कि भाई कौन उम्मीदवार कितना मजबूत है।
फिलहाल मोला दो विदा और हमारे साथ जो दुबे जी जुड़े रही से ओकर भी बहुत धन्यवाद, व्यास जी व्यास पाठक जी रही से ओला भी ओकर भी बहुत धन्यवाद और किरण बघेल जी रही से ओकर भी बहुत धन्यवाद। तो तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद है और आप मन से उम्मीद है कि आप मन देखत रहो TV24। मोला दो विदा, जय जोहार।